चल साहब चल। आई गुरु, तेरे दूध में ना तो मलाई है ना ही हम किसी के जमाई है, घुटने कैसे चलेंगे इस घी में, ना तो कोई चिकनाई है। क्या बात है साहब, सुबह सुबह हमारे दूध में गलतियां काहे निकाल रहे? तेरा दूध कोई सरकार है जिसमें गलतियां निकालते रहे? जरूरत कैसे वही दूध का भाव बढ़ाने की? चारा महंगा हो गया साहब, कोनो चारा नहीं रहा। ओए जब चारा महंगा हो गया तो भैंस को खिला क्या रहा है गुरु? गुरु ए साहब, गुरु कैसे खिलाएंगे भैंस को? गुरु मेरा तकिया कलाम है गुरु। अरे वाह साहब, फिर तो आपकी और हमारे भैंस की खूब जमेगी, उसका भी तकिया कलाम है। ये तेरे भैंस का डकार है। साहब एक बात बताए, आपसे बात करने से तो अच्छा है कि आदमी जहर खा ले। देख ना तो तेरे दूध में मलाई आती है, ना ही उसमें अंगड़ाई आती है, ना ही रस मलाई आती है। नाराज होकर गई, ना ही तेरी बोझाई आती है। एक मिनट साहब, एक बात बताइए, मलाई और रसमलाई तो ठीक है, ये अंगड़ाई और भोजाई बीच में कहाँ से आ गई? देखो सारा टाल मटोल दूध के साथ गुरु, फिर भी बता तूने दूध महंगा क्यों किया? एक मिनट साहब, क्या महंगा कर दिया बार बार कर रहे, 65 रुपए लीटर ही ना किया है, पेट्रोल के बराबर कर दिया दूध को। अब तू बता, क्या हम अपने वाहन में तेरा पतला दूध डालकर चलाए? दूध पतला हो गया ये बात हमने मानी है, परेशान है सब महंगाई से, ये बात सब ने जानी है। अरे शहर गांव जैसा हो गया, ना बिजली है ना पानी है, अब तो भगवान को धरती पे उतरना पड़ेगा अगर इस देश की इज्जत बचानी है तो। ठप बचानी। चुप कर, तेरी ये बात सुनकर मेरे आंखों में आनी पानी है, क्योंकि यही आज घर घर की कहानी है। दूध तूने महंगा क्यों किया, इसकी वजह तुझे बतानी है। लो पूरा महाभारत पढ़ दिए हैं, पूछ रहे हैं कि द्रौपदी किसकी बीवी रही। द्रौपदी कौन है बता। गुगली गुरु।